Vicky lost his 1 lakh rupees. People choose to create drama. अपने आप को ना सबसे बहुत ज्यादा दूर कर दिया था, थप्पड़ मार चुका है. आज क्यों नहीं आया इसलिए बता रही, नहीं तो मैं ये कभी आपको पता भी नहीं चलता. हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. तो आज की वीडियो होने वाली है एक चटपटा Q&A सेशन. सो लास्ट Q&A जो मैंने किया था वो अपने मम्मी पापा के साथ किया था, एंड वो भी आई थिंक सितंबर में किया था जब मैं भोपाल में थी. मैं पहले काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपने चैनल पे Q&A डालती रहती थी, मतलब हर 3-4 मंथ्स में Q&A डालती ही रहती थी. बट इस बार काफ़ी लंबा टाइम हो गया जो मैंने सिंगल वाला Q&A नहीं किया है. इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ रहा था दैट आपको जो भी पूछना है पूछिए, स्पाइसी क्वेश्चंस वाला टाइप से. एंड मैंने यूट्यूब पे इसलिए पोस्ट डाला क्योंकि फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि इंस्टा पे ही मेरे पास इतने क्वेश्चंस आए हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं Q&A करूंगी तो मैं यूट्यूब के लिए करूंगी. सो मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो आपने मुझसे भर भर के पूछे हुए हैं वो सब मैंने बिल्कुल लिख लिए हैं. आपने क्या तो क्वेश्चंस पूछे, मतलब गजब ही क्वेश्चंस पूछे हुए, तो मैं सबके आंसर्स आज देने वाली हूँ. इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, एंड डू लेट मी नो लाइक यू लाइक इन दिस वे, या मैं जैसे पहले से बैठ करके आंसर्स देती थी वैसे करूँ. मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, मेकअप भी साथ में करूँगी. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग Q&A विद मेकअप. एक्चुअली मैंने ऐसे काफी सारा कंसेप्ट देखा है, जैसे मैंने मृदुल के वीडियो में ऐसा देखा है, तो वो मुझे ज्यादा एंगेजिंग लगता है. खाली Q&A करने से बेटर मुझे ज्यादा एंगेजिंग ये वाला लगता है, दैट मेकअप करते करते कुछ करते करते आप Q&A कर लो. मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट्स नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो काफी मल्टीपल एंड रेपिटेटिव क्वेश्चंस आए हैं, जिन क्वेश्चंस के जैसे बेसिक क्वेश्चंस आपके एजुकेशन, आप कहां से हो, शादी, ढिमका, फलाना, मम्मी पापा, ये सब जो कॉमन क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूं, उन Q&A की जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में मैं लिंक दे दूंगी, यू कैन चेक दैट आउट, जिनको मेरी बेसिक डिटेल्स चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग नए जुड़ते हैं हमारे साथ डेली बेसिस पे, तो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, तो आप वो चेक कर सकते हो. करने से पहले आई एम गोइंग टू प्रेप माय स्किन. मैंने सिर्फ अपने स्किन पे अभी फेस वॉश किया है. अपने स्किन पे सबसे पहले लगाऊंगी शीट मास्क. तो यहां पर मैं यूज कर रही हूं शीट मास्क में मामाअर्थ का विटामिन सी बैम्बू शीट मास्क. दिस इज फॉर स्किन इल्यूमिनेशन. तो ये जो शीट मास्क है ना, वैसे अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं. आई हैव दिस नियासिनेमाइड बैम्बू शीट मास्क, दिस बैम्बू उपटन शीट मास्क जो कि है फॉर स्किन ब्राइटनिंग के लिए, एंड उसके बाद ये रेटिनॉल शीट मास्क है जो कि फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए है. यहाँ पर यूज करने वाली हूँ विटामिन सी. इस शीट मास्क के जो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी, हनी, आर्गन ऑयल एंड नियासिनेमाइड. तो ये जो विटामिन सी होता है वो डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ग्लो देता है, उसके साथ साथ ये ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है, प्रमोट करता है इवन स्किन टोन. दिस इज सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप. और ये जो शीट मास्क है मामाअर्थ के, ये इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड शीट मास्क है. इनका टेक्स्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देते हैं आपकी स्किन को. ये शीट मास्क स्किन के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो इसमें बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, तो आप अपने स्किन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना ओन स्पेसिफिक वेरिएंट चूज कर सकते हैं. As we all know that Mamaearth is all about goodness, तो Mamaearth की वेबसाइट से आप जब भी कोई Mamaearth का प्रोडक्ट परचेस करते हैं, Mamaearth will link your order on a website to a tree that they plant. इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. माई स्किन लुक्स लाइक काफी ग्लोई लग रही है मेरी स्किन, एंड हाइड्रेटेड लग रही है मुझे. Mamaearth has launched their official app as well. iOS and Android दोनों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. App users will get early access to the sales and extra discounts जो भी रहने वाला है, एंड स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट Mamaearth की वेबसाइट पर. जितने भी Mamaearth के प्रोडक्ट्स हैं दे ऑल आर अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa एंड Mamaearth.in पर. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से क्योंकि हमारी स्किन प्रेप हो चुकी है, एंड साथ ही साथ मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेती हूं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स की लिंक रहने वाली है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी. फर्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब में रियल फ्रेंड्स होते हैं क्या, डू यू हैव एनी रियल यूट्यूब फ्रेंड? ऑफकोर्स हर जगह रियल फ्रेंड्स होते हैं यार, ऐसा नहीं है. सो आई थिंक ये आंसर बड़ा ही ऑब्वियस है, और इसी से मिलता जुलता मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है, दैट आई हैव सीन अनन्या एंड यू हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग एंड हाउ यू बोथ हैव गुड फ्रेंड्स. तो इन दोनों का क्वेश्चन मैं मिलता जुलता देती हूँ. अनन्या को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, हम दोनों की जो जर्नी है वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक साथ ही, मतलब मैंने उसको ग्रो होते हुए देखा है, उसने मुझे ग्रो होते हुए देखा है. कम से कम आप अभी तक मान के चलो 50 यूट्यूबर से मिल चुकी हूँ, क्योंकि मैं इवेंट्स वगैरह में काफ़ी जा चुकी हूँ. एंड उसके अलावा अगर आप मैसेज और इंस्टाग्राम पे बात की बात आती है तो सभी 100 से भी ज़्यादा लोगों के टच में हूँ, या बात कर चुकी हूँ, या एक हमारा अच्छा बात हुआ है. बहुत ही अच्छे हैं सब लोग ही, काफ़ी अच्छे मुझे मिले हैं. यू टॉक कि डू यू हैव एनी रियल यूट्यूब फ्रेंड्स, तो मेरे काफ़ी सारे जिन लोगों से भी मेरी बात होती है फ़ोन पे, तो हम लिटरली एक एक घंटा बात करते हैं. बट सबसे ज़्यादा मेरा जो एक पर्सनल लेवल पे पहुंच चुका है वो अनन्या के साथ है. मतलब अब हम प्रोफेशनल लाइफ से हट के पर्सनल वाले उसमें हम डिस्कशंस करते हैं. मतलब जो भी आप उसके चैनल पे देखते हो, जो आप
आगे 4 महीने बाद देखने वाले हो वो मुझे आज पता है कि हाँ वो किन किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। तो हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारी वाइब्स काफी मैच करती हैं, बहुत पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए, पुश करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई यू चेंज्ड योर जर्नी फ्रॉम मेकअप फैशन टू लाइफस्टाइल एंड होम डेकोर। मैंने कोई अपनी जर्नी ऐसे स्विच नहीं करी है, तो मैंने स्टार्टिंग से ही जो जो भी चीजें मुझे आती थी मैंने लिटरली सब कुछ डाली है। मैं एक कोई पर्टिकुलर जॉनर लेकर के नहीं चली हूँ। मुझे अगर लगता था कि हाँ मुझे होम डेकोर करना चाहिए तो मैंने वो भी डाला है, मुझे अगर लगता था कि मुझे ये करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, डांस करना चाहिए, मतलब सब कुछ ही मैंने शेयर किया हुआ है। फिर एक होता है ना, एक टाइम के बाद आपको समझ में आने लगता है कि यार मेकअप और फैशन से ज़्यादा अच्छा मेरा सेंस किस में है, होम डेकोर में है। तो आई स्टार्टेड डूइंग, यू नो, मुझे समझ में आने लग गया कि हाँ लोगों को मेरा ये लाइफस्टाइल जो व्लॉग्स होते हैं या होम डेकोर जो होता है ये लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा है, तो क्यों ना मैं डालती। तो मैं अभी भी देखो सब कुछ ही हूँ, बट हाँ आई कैन से दैट दीज टू आर द फील्ड्स जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। और क्वेश्चन है डू यू इन्वेस्ट योर मनी, और उसी से मिलता जुलता एक ने और पूछा था दैट हाउ डू यू इन्वेस्ट योर मनी। सो एक्चुअली जो प्रॉपर इन्वेस्ट होता है, जैसे माई हस्बैंड इज़ इन टू इन्वेस्टमेंट, हम दोनों ही अर्न करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, विक्की के इन्वेस्टमेंट प्लान्स अलग हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान्स अलग हैं। विक्की अपना प्रॉपर वो जो इन्वेस्टमेंट होता है ना मार्केट में, मार्केट का कैसे एक जुआ टाइप का होता है, आपको उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको उसमें लॉस भी हो सकता है। जैसे दैट विक्की लॉस्ट हिज 1 लाख रुपीज़। तो मैं इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं, मुझे भले ही मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, ना ही मैं झेल सकती हूँ कि मेरी मेहनत की कमाई इस तरह से कहीं पर बह जाए या डूब जाए, तो मैं मार्केट में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। विक्की मुझे 3-4 बार बोल चुका है बट मैं नहीं करती हूँ और ना ही मैं करूँगी, मुझे नहीं पता फ्यूचर का है कि नहीं है। तो मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान अलग अलग तरीके से रहते हैं, जैसे मैं PF में डालती हूँ, उसके बाद मैं FDs बना देती हूँ, या मैं कुछ अच्छी जो चीज़ होती है जो मुझे रिटर्न देगी अच्छा वो परचेस कर लेती हूँ, लाइक गोल्ड वोल्ड, ये सारी चीज़ें। तो यू नो मैं इस तरह से इन्वेस्ट करती हूँ। एंड हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि एक इंसान ऑलरेडी हैवी इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा है तो दूसरे इंसान के पास लिक्विड कैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए भी मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ कि एक का लिक्विड कैश घर पर होना चाहिए। सो मैं बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मोमेंट वे यू फेल सो प्राउड ऑन विक्की, ऐसा लग रहा है कि मैं इतने गप्पे मारे बिजी हो जाऊंगी कि मैं मेकअप वेकअप तो गया, तेल लेने यही रहेगा, इतने में अपनी बातें खत्म हो जाएगी, मैं एंड में बोलूंगी सो गाइस खत्म हो गया हमारा क्यूएन है। सो विक्की का प्राउड मोमेंट बताने से पहले एक मैं छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उसमें भी जो उसका कैंपस सिलेक्शन है वो कैंपस उसका नहीं हुआ था, कैंपस में उसको कैंपस प्लेसमेंट उसका नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली इंसान के अंदर काफी प्रेशर होता है। बहुत इंटरव्यूज दिए एंड कम से कम 3-4 मंथ्स तक इसने इंटरव्यूज दिए एंड रिजल्ट का वेट करता रहा कि अब आएगा तब आएगा, बट कहीं से नहीं आता था। एंड फाइनली जब इसको आया तो के साथ एक साथ आया था, विप्रो, कॉग्निजेंट एंड टेक महिंद्रा का आया था। वो करने के बाद अब उसके बाद जो सर्विस बेस्ड में कंपनीज होती हैं, जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनीज कैसी होती हैं कि टूल कोई और बना रहा है, प्रोडक्ट किसी और का है, एंड जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया, ये सब कंपनीज सर्विस बेस्ड कंपनी कहलाती हैं। ये लोग टूल किसी और का यूज़ करते हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज, लाइक बहुत सारी सर्विसेज होती है जो सॉफ्टवेयर में होंगे, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो दे प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। अब जो सर्विस बेस्ड कंपनी में होते हैं उनके 2-3 ऐसे हायर ड्रीम होता है, किसी का होता है हमें ऑन साइट जाना है, ऑन साइट जाके सेटल होना है या ऑन साइट में रहना है, किसी का होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, और किसी का होता है बैंक में स्विच करना है। विक्की का एक स्टेप अब आगे बढ़ना है लाइफ में, तो या तो बैंक में जाना है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। इसकी जो सेकंड कंपनी थी वो अगेन सर्विस बेस्ड कंपनी ही थी। उस टाइम पे हमारा शादी का बात होना स्टार्ट हो गया था एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक्स अगेन, तो इसने बैंक्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और इसका जिस बैंक में इसको जाना था, जिस पर्टिकुलर बैंक में, उस बैंक का इंटरव्यू उसने क्रैक कर लिया। उसके बाद जब मैं मुंबई आई और मेरी शादी हो गई ना, तब मैं जॉब, जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वहाँ पर मैं HR जर्नलिस्ट की पोजीशन पे गई थी। एक मेरी कलीग थी जिनका नाम था स्मृति, एंड वो इसमें रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की टीम लीड थी, ठीक है। तो उनके हस्बैंड भी बैंक में ही जॉब करते थे, तो जब मैंने उनको बताया ना कि मेरा हस्बैंड इस कंपनी में है, तो उन्होंने बोला ओ माय हस्बैंड्स ड्रीम कंपनी है ये, वो भी ट्राई कर रहा है ऐसे करके। तब मुझे ये बात बताया कि अरे वहाँ पे उसके इंटरव्यूज बहुत टफ होते हैं, मेरे हस्बैंड का ड्रीम है ये है वो है, एंड उसके बाद है ना वहाँ पे 12 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। ये चीज़ बहुत प्राउड फील हुआ था, जिस कम लोग यूजुअली NITs एंड IITs के बच्चों को लेते हैं वहाँ पर इसने जॉब किया है। इसके अंडर में दो जो इसके अंडर के जो 2 बच्चे थे ना वो IITians थे, बच्चे बोल रही हूँ मैं, जो 2 इसके अंडर में जिस टीम में ये था इसके अंदर जिसको लीड कर रहा था वो दोनों IITians थे। 2 वो इसकी 1% नहीं सुनते थे, वो अलग ही अपने ईगो में रहते थे। प्राउड थिंग फॉर मी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यार, काफ़ी सारी चीज़ें जिसपे मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ उसके ऊपर, बट दिस इज़ द मेन थिंग। जब मैं
फर्स्ट टाइम मुझे काफी प्राउड फील हुआ था. लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कम यू आर सो ओपन इन फ्रंट ऑफ योर इन-लॉज? हैव यू चेंज्ड योरसेल्फ फॉर देम और फॉर यू, और दिस इज द यू हैव टोल्ड इन वन ऑफ योर वीडियो? तो इनका काफी लंबा क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ. ये मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने, ये शायद मेरी काफी पुरानी सब्सक्राइबर है तो इन्होंने पुराने Q&A भी देखे होंगे. तो शी इज आस्किंग मी दैट मैंने अपने किसी वीडियो में एक चीज बताया था दैट क्या क्या मुझे प्रॉब्लम लगता है एंड ऐसे ऐसे करके. तो अब लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दिखता एंड यू फील सो कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ योर इन लॉज फैमिली एंड ऑल. सो हाउ कम दिस चेंज हैपेंड एंड ऑल? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना. होता है ना शादी के फर्स्ट 2 ईयर्स में तो आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आती है. तो शुरू में मैं इतनी ज़्यादा शादी से घबरा गई थी, मतलब ये सब जो चीज़ें हो रही थी उससे मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि जबकि मेरे इन-लॉज की तरफ से मेरे को ऐसा नहीं कि ऐसा नेगेटिविटी आ रही हो, मतलब जो भी चीज़ें छोटी मोटी भी आ रही थी ना मेरे पास, उन सब से मैं इतना ज़्यादा घबराती थी, इतना ज़्यादा भागती थी चीज़ों से, रिलेशन से, रिलेटिव से. मैं खुद ही खुद में इतनी ज़्यादा ऐसी हो गई थी कि मैंने अपने आप को ना सबसे बहुत ज़्यादा दूर कर दिया था. दूर इन द सेंस मीन्स कि मैंने सबको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, किसी से बात नहीं करना, सबके लिए मैंने अपने दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बना ली थी कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही होगा, ये तो डेफिनेटली ऐसे ही होगा. ऐसे मैंने एक इमेज क्रिएट कर ली थी अपने दिमाग में और बस ऐसे ही चल रहा था. मैं इधर से अवॉइड करती थी जाना, कहीं पर भी आना जाना, किसी से भी बात करना. कोई सामने आ जाता था तो मैं बात कर लेती थी बट मैं मन से नहीं कर रही थी वो सारी चीज़ें, सिर्फ कर रही थी. तो मैंने सोचा कि यार ये ऐसे तो नहीं चल सकती है लाइफ आगे भी, आई हैव टू, या तो मुझे एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो मैंने ना एक लास्ट ईयर की 2019 या 18 की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है. तो 2019 की बात है, विक्की के घर पर ना एक शादी आई, विक्की के बुआ की फैमिली में वो शादी थी एक्चुअली. तो हम लोगों का ऐसा था कि नहीं भी जाएंगे तो चलेगा. मैंने विक्की को बोला, मैंने कहा कि मैं जाऊंगी. तो विक्की शॉक, विक्की बोलता है सच में? तो मैंने बोला हाँ. तो बोला देख लो भैया वहाँ पर ये सब बात कर लो टीनू से. तो मैंने टीनू को बोला, टीनू को मैंने पहले ये बताया, डिस्कस किया उसके साथ कि यार मेरा मन है आने का. तो टीनू मुझे बोलती है कि उसने मुझे पहले वॉर्न कर दिया, उसने उससे वॉर्न किया था कि भाई वहाँ पर देख 100 तरह के लोग रहेंगे, तुझे जज भी करेंगे, तुझे ये ड्रेस पहनना पड़ेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे करके उसने मुझे वॉर्न किया कि आर यू श्योर, मतलब आर यू सीरियस, ऐसे करके. तो मैंने टीनू को बोला, मैंने उसको पूरा एक पॉइंट बताया, अपना लॉजिक बताया. मैंने कहा देख मैं कब तक ऐसे भागूंगी चीज़ों से, मुझे कभी ना कभी तो ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी और मैं नहीं चाहती कि मैं तेरी शादी में ये सारी चीज़ें फेस करूं. मतलब मैं टीनू की शादी में एज अ भाभी की तरह नहीं रहना चाहती हूं, मैं एज अ सिस्टर की तरह उसकी शादी एंजॉय करना चाहती हूं. खूब डांस, अच्छे अच्छे ड्रेसेस. आई डोंट वॉन्ट कि तेरी शादी में कोई बवाल करे, इससे बेटर है कि सबको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि भाई ये रुचि है, इससे मिलना भी हो जाएगा. तो मैंने बोला सबको मैं सबसे मिल भी लूंगी, देख भी लूंगी कि क्या रिएक्शन होता है इन लोगों का. व्हेन आई एंटर्ड इन द प्लेस जहाँ पर संगीत वगैरह हो रहा था शादी में, आई थिंक आई एम द ओनली वन जो शायद सर पे, बेटियों के अलावा सर पे पल्ला नहीं ली थी बहुओं में, बाकी वहाँ पर एवरी वन वॉज, यू नो, मतलब सब ने, इवन माई मदर इन लॉ, जैसे ही हम कार में से उतरे मेरी मदर इन लॉ ने फट से सर पे पल्ला डाला. मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि क्यों ये आता था नहीं तुम्हें बहुओं से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो कल्चर है उन लोगों का. एंड आई डोंट माइंड दैट, मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे सपोर्ट में ये चीज़ बोला उस दिन कि अगर कोई बोले ना तो उनको, तो मैंने बोला नहीं नहीं आप टेंशन है, तो कोई बोलेगा तो मैं बोल दूंगी उनको, है ना, अच्छे से. मैं इसी डर में थी पूरी शादी में कि मुझे कौन कब टोकने वाला है, कब टोकने वाला है. मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि मुझे कोई ना कोई तो 100% टोकेगा कि तुम सर पे पल्ला क्यों नहीं ले रही हो, किसी ने नहीं बोला. जैसे ये छोटी छोटी दो तीन चार चीज़ें जिसकी वजह से मैं अपने आप को कट ऑफ करती हूँ. तो उस दिन नहीं हुआ ये सब और सब जितने भी लोगों से मैं मिली सब लोग बहुत अच्छे थे. उस दिन एक परसेप्शन तो मेरा चेंज हुआ कि नहीं यार सबसे मिलो ना तो अच्छे से ही बिहेव करते हैं सब लोग. एंड फिर धीरे धीरे करके ना मेरी मदर इन लॉ को भी समझ आने लग गया है, तो घर पर भी कोई अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये मत पहनो या वो मत पहनो. फिर उसके बाद जब हम गांव भी जा रहे थे ना, तो मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, टीनू, विक्की ने तो मुझे कम से कम 50 बार बोला था कि मत चलो, देख लो वहाँ पे ये करना पड़ेगा. मेरे फादर इन लॉ ने मुझे वॉर्न कर दिया था कि वहाँ पर सर पे पल्ला लेना पड़ेगा, वहाँ नहीं ऐसा. तो मैंने कहा ले लूंगी, मैं थोड़ी देर के लिए ले लूंगी, मुझे चलना है. एक अगर इन लॉज भी एक अपनी चीज़ आपके लिए चेंज कर रहे हैं, सो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं एक अच्छा पॉजिटिव कदम आगे बढ़ाऊं. कि ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज हुई है. देखो एकदम से रातों रात चीज़ें चेंज नहीं हुई है. विक्की और टीनू भी इक्वली सपोर्टिव थे इन सब चीज़ों को लेकर के.
तो ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैं भी यही बोलूँगी कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा है जो आपको खटकता है और आपको पसंद नहीं है, तो आप अपने इन लॉज से बात करिए, बात करके चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे कि हाउ यू टेकल प्रेशर रिलेटेड टू बेबी आस्किंग बिकॉज दिस सिचुएशन लाइक ऑन माई। इस बेबी रिलेटेड क्वेश्चन पे मेरे पास कम से कम, अगर मैं स्क्रीनशॉट डालना चालू करती ना, तो 80 क्वेश्चन मेरे पास बेबी प्लानिंग के थे। बेबी प्लानिंग, बेबी प्लानिंग, बेबी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कुछ लड़कियों ने, दो चार लड़कियों ने बहुत डिसेंटली क्वेश्चन पूछा। उनने इस तरीके से पूछा दैट हाउ यू आर टैकलिंग दिस प्रेशर। लड़कियों ने तो इतने बदतमीजी तरीके से, मतलब इतना पर्सनल आप कैसे जा सकते हो, बेबी प्लानिंग चालू करी कि नहीं करी, बेबी प्लानिंग कब है, बेबी प्लानिंग चल रही है, बेबी प्लानिंग इस मंथ है या अगले साल है, बेबी प्लानिंग चल रही है, मतलब क्या है इसका। और मुझे ये नहीं समझ में आता व्हाई इंडियन वेमेन आर ऑब्सेस्ड विद दिस क्वेश्चन, आर ऑब्सेस्ड। और ये ऐसी चीज है कि जब ये आनी होगी ना, जिसको जिस टाइम पे आना होगा और जिसके थ्रू आना होगा, वो तब आ जाएगा। यार एक कपल है, उनको संभालना है, उनको बच्चा पैदा करना है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे भाई। व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद, आई अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पीपल आर वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट। और मैं सबसे ज्यादा शॉक थी ये देख करके कि इतने लोगों ने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन किया है, एंड हाउ आई डील विद दिस प्रेशर। तो इस चीज का ना तो मैं प्रेशर लेती हूँ, मुझे चिढ़ जरूर होती है। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, दो तीन लोगों से सुनने को मिली है, लाइक वंस यू विल डिलीवर अ बेबी यू विल बिकम अ कंप्लीट वुमन, यू विल फील द हैप्पीएस्ट, यू विल फील दिस, यू विल फील दैट। मेरे को ये नहीं समझ में आता, जस्ट इमेजिन। चलो मैं बिना बच्चे के भी बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप को एज अ कंप्लीट वुमेन कंसिडर करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। आगे भी हो सकता है, बच्चा आने के बाद भी मैं उतनी ही खुश रहूँ, बट मैं अभी भी बहुत खुश हूँ, मुझे कोई कमी फील नहीं होती अपनी लाइफ से। दूसरी चीज़ ये, आप जस्ट इमेजिन करो जिन लोगों ने इस चीज़ के बारे में 100 तरह के ट्रीटमेंट्स लिए हों, IVF लिया हो, ये लिया हो, बच्चा, सब तरह की चीज़ें ट्राई कर ली हों, 10-15 साल उनकी शादी को हो गए और नहीं बच्चा हो रहा हो, आप उसके मुंह पे अगर ये बोल के चले जाओगे यू आर ओनली कंप्लीट व्हेन यू delivered a baby, just imagine कि उसको कैसा लगेगा, वो चाह करके भी खुश नहीं रह पाएगा। तो थोड़ा सा ना ये बच्चे से उठ करके बाहर निकलना चाहिए यार। इतना पढ़ लिख के आप अगर तब भी यही मेंटालिटी पे स्टक हो ना, तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई सेंस नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू मी। एक औरत बिना बच्चे के भी कंप्लीट हो सकती है, बिना हस्बैंड के कंप्लीट हो सकती है, बिना शादी करे कंप्लीट हो सकती है, उसको जैसा पसंद है। मतलब I think as a woman, I don't need anyone to complete me. Getting, मैं एक पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ, ये मत समझना कि मुझे बच्चे पसंद नहीं, आई लव किड्स, बट मैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई हस्बैंड डजंट नो एनीथिंग, आई डू ऑल द हाउस चोर्स एंड व्हेनेवर आई से हिम हेल्प मी आउट, हीज रिप्लाई इज ये सब लड़कियों का काम होता है, मेरी माँ ने भी ये सब काम किया है, आई वर्क एज अ डेवलपर एंड आई फील समटाइम कि मैं एक बाई बन जो, ऐसे करके इनका काफ़ी सारा क्वेश्चन आया है। लाइक आई समटाइम्स फील लाइक अ फेलियर जब मैं दूसरे हस्बैंड को देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई डियर, जस्ट डोंट फील फेलियर अबाउट योर सेल्फ, आप फेलियर बिल्कुल भी नहीं है। आप आप कहाँ से फेलियर हो सकते हो यार, यू आर मैनेजिंग योर हाउस, यू आर मैनेजिंग योर ऑफिस, यू आर मैनेजिंग एवरी सिंगल थिंग। आपका फेलियर नहीं है कि आप उसको नहीं सिखा पा रहे हो, दिस इज नॉट योर ड्यूटी टू यू नो टीच योर हस्बैंड हाउ टू कुक एंड दिस एंड दैट, जब वो सीखना नहीं चाहता है। एग्जाम्पल देती हूँ अपनी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उसको हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले उसी को बेबी हुआ ना, एंड उसको जो फर्स्ट किड हुआ उसको बॉय था। जनरली इंडियन फैमिलीज में लड़कों को इतना काम नहीं करवाया जाता है, 20-30% लड़के होंगे जहाँ पर काम, जो काम करते होंगे, अदरवाइज नहीं करवाते हैं। तो ऐसी छला आ रहा है ये, ठीक है। अब ये हमारी ही जनरेशन है जो कुछ कर सकती है, बकायदा काम वाम करना सिखा करके रखा है। अब इसकी मदर इन लॉ आई और इसने अपने बेटे को बोला कि तुमने ये ग्लास यहाँ पे क्यों रखा है, जाओ जा करके रख के आओ। तो इसकी मदर इन लॉ ने उठा के उस दिन वो रख दिया, ठीक है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन अगेन हो गया, इसने फिर अपने बच्चे को डांटा कि ऐसे तुमने कैसे टॉयज यहाँ पर छोड़ के रखे, उठाओ इन सबको और ये करो। तो इसकी मदर इन लॉ ने बोला कि अरे ये हमारा राजा बेटा है, इससे काम मत करवाया करो। FYI मेरी सारी फ्रेंड्स काफ़ी वोकल है अपनी चीज़ों को लेकर के, तो उसने क्लियरली अपनी मदर इन लॉ को बोल दिया कि मम्मी आप इन सब चीज़ों में इंटरफेयर मत करा करिए, स्पेशली मेरे और जो उसका बच्चा है उसका नाम लेकर के। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी मुझे बड़े होकर के गालियाँ दे कि अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं।
इतना बोल दिया तो बोल दिया मेरी मदर इन लॉ का मुंह चढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, बट उस दिन उनको समझ में आ गया था कि अभी मुझे यहाँ पे नहीं बोलना है, भले ही उनको बुरा लगा हो जो भी लगा हो, बट मेक योर पॉइंट्स क्लियर, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ चीजें चेंज कर रहे हो, एक रूल चला आ रहा है सोसाइटी में, आप उस रूल को ब्रेक कर रहे हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी उसको ब्रेक करने में, है ना, उसको चेंज करने में या उसको मॉडिफाई करने में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी. तो इट्स बेटर कि यू शुड यू नो से एंड स्पीक. तो दिस इज नॉट योर फेलियर, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू डोंट फील लाइक दिस, दिस इज नॉट योर फेलियर. एंड थोड़ा बात करो अपने हस्बैंड को, उनको समझाओ कि भाई दुनिया कहाँ पहुंच गई है, तुम ये कहाँ लड़का लड़की के कामों में लगे हुए हो, मैं भी तो उतना ही कमा रही हूँ जितना तुम कमा रहे हो, उतना नहीं भी कमा रही हूँ तो भी एक घर जब हम लोगों का है तो हम दोनों को मिलकर काम करना ही पड़ेगा. जस्ट टॉक टू हिम, डिसाइड करिए, काम डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे वर्कआउट आपको करना पड़ेगा. नहीं सुनता है तो अपनी मदर इन लॉ को बताइए, हेल्प लीजिए घर वालों की. इन शॉर्ट, अगर आप दोनों से सॉर्ट आउट चीज़ें नहीं हो रही है ना, देन ट्राई टू मेक श्योर कि आप बड़ों से हेल्प लें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुआ है दैट यूट्यूबर्स अननेसेसरी फाइट ऑन यूट्यूब एंड क्रिएट नेगेटिविटी इन फ्रंट ऑफ व्यूअर्स एंड अबाउट कॉपिंग कॉन्टेंट. ऐसे दो तीन क्वेश्चन आए हैं. यूट्यूब पर फाइट ही मुझे बहुत अननेसेसरी लगती है. एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैं और अनन्या है, तो अनन्या ने सपोज कोई एक चीज़ बोली जो कि मेरे बारे में है भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं मेंशन किया गया, 100 तरीके यार कितने कंटेंट क्रिएटर्स, उसने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जनरल वे में बोला. अब मेरे पास 2-3 कमेंट उस तरह के आ गए होंगे, यार लोग हैं कैसे भी कमेंट कर सकते हैं, मेरे पास 2-3 कमेंट इस तरह के आ गए. अब मैं तो इतनी भड़क गई कि मैं बैठ गई अपने सारे काम छोड़ करके, कैमरा लेकर के, और मैं चालू हो गई उस चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए कि अरे ऐसा क्यों आपको ये नहीं, आपने ये नहीं, आपको वो नहीं, उसको पॉइंट आउट करके. ना तो उस बंदी ने मेरा नाम लिया, ना तो उस बंदी ने मेरे को स्पेसिफिकली मेंशन किया कि किसी भी तरीके से अननेसेसरी, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने आकर के मुझे कमेंट किया अगर मैं वीडियो बना दूंगी, तो ये तो एक ड्रामा हुआ ना अननेसेसरी. आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आप सामने वाले से बात कर सकते हो, उसको मेल कर सकते हो, उसको मैसेज कर सकते हो, बहुत सारे वेज है सॉर्ट आउट करने के, बट पीपल चूज टू क्रिएट ड्रामा क्योंकि उनको पता है इस ड्रामा से उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा ही होगा. इन सब में पता है मजे कौन ले रहे होते हैं? पब्लिक. आपको ये चीज पता होना चाहिए दैट यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म जहां पर हर तरह के आपके पास कमेंट्स आएंगे, हर तरह के कमेंट्स आएंगे, आपको कंपेयर किया जाएगा आज नहीं तो कल किसी ना किसी के साथ. उस पर भड़कना, उसके ऊपर तमाशा क्रिएट करना, आई वुड से इज लिटरली लाइक इज नॉट माई कप ऑफ टी. एंड और मुझे पसंद भी नहीं है ये सब देखना. देखो यार, अब आते हैं दूसरा एक और है कॉपी कंटेंट के ऊपर. कंटेंट कॉपी, बैकग्राउंड कॉपी, ढिमका कॉपी, फलाना कॉपी. ये कॉपी वर्ड एक तो मुझे ऐसा लगता है नर्सरी की बच्चियां आकर के भै 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 लड़ रही हैं, एक इधर से लड़ रही है, एक इधर से लड़ रही है. वॉट इज दिस कॉपी यार, कहाँ लगे हुए हो? अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल जस्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस पूफ जो है, जिसने भी ये पूफ फर्स्ट हो सकता है इंडिया में, जिसने भी अपने बैकग्राउंड में ये पूफ रखा, कहाँ से उसने देखा होगा वो पूफ, कहाँ से इंस्पिरेशंस लेते हैं? पिंटरेस्ट से लेते हैं ना. लोग बोलते भी हैं कि हमने पिंटरेस्ट पे ये देखा, हमने ये डिज़ाइन देखी, तो ज़रूरी है कि पिंटरेस्ट ये एक ही बंदा यूज़ कर रहा है? हो सकता है पिंटरेस्ट 100 लोग यूज़ करते हैं, मैं ही 100 चीज़ें पिंटरेस्ट से देखती हूँ, तो मैंने पिंटरेस्ट से देखा, है ना. अब हो सकता है कि इसी बैकग्राउंड को किसी और ने भी पिंटरेस्ट पे देखा, अनटिल अनलेस वो आपने ना बनाया हो और वो किसी ने कॉपी किया हो, वो कॉपी कहलाता है. कि बैकग्राउंड और कॉन्टेंट वॉन्टेंट ये सब तो यार आप भी तो इंस्पिरेशन कहीं से ले रहे हो ना, तो ये सब मुझे बहुत अजीब लगता है. चलो पब्लिक जो कर रही है वो तो कर रही है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है जो लोगों की बातों में आकर के रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, अपना जो भी गुस्सा दिखाते हैं, ये और ज़्यादा अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं. राइट, चाहे मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी लड़ रहे होंगे ना यूट्यूब पे, तो मैं उन लोगों को यही बोलूंगी कि भाई ये नाटक करने से बेटर है कि तुम लोग आपस में चीज़ें सॉर्ट आउट करो. मैं हो फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में हो, आपका किसी कलीग के साथ झगड़ा हो गया, तो आप उस झगड़े को सब लोगों के सामने झगड़ा करोगे या आप एक जगह कॉर्नर पे जाकर के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे? ये होता है समझदारों वाला काम. और एक होता है कि आप जाकर के सारे 50 लोग हैं ऑफिस के सामने चिल्लाओगे इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया. विच वन इज मोर मेच्योर्ड वे? सो यूट्यूब पे भी वही है. तो आई स्टे अवे विद ऑल दीज पीपल हु क्रिएट्स ड्रामा. क्वेश्चन है वो ये है, डू यू रियली लाइक एनी बॉलीवुड हॉलीवुड आफ्टर कोविड? आई डिलीटेड ऑल फ्रॉम माई इंस्टा एंड एवरीथिंग. उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है दैट दीज डेज सेलेब्स कम ऑन यूट्यूब एंड स्टार्टेड देयर चैनल्स, डोंट यू थिंक इट्स लिटिल अनफेयर फॉर अ कॉमन मैन लाइक अस? सो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, आई थिंक आपने मेरा वाला व्लॉग देखा है कि नहीं देखा है, जिसमें मैं गई थी यूट्यूब ऑफिस में. ये तब की बात है, कोविड से पहले की बात है, कोविड तो मतलब बहुत बाद में आया है, तो उस टाइम की बात है. आई आई
आई लिटरली फेस्ड अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस देयर. मैं थोड़ी हूँ इस टाइप की, मतलब मैं थोड़ा अरे वाह वाह सेलिब्रिटी है, ये है, स्टार है, वैसा मैं थी ऐसी. बट आफ्टर ऑल जो भी मेरे साथ हुआ ना उस दिन, आई डोंट फॉलो एनी, उस इंसिडेंस के बाद से आई डोंट फॉलो एनी सेलिब्रिटी, एनी एक्ट्रेस, एनी वन. आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी, मतलब ये जो कोविड वाला जो SSR का जो केस हुआ था, उससे पहले से ही मेरा इन सब के ऊपर से मन उठ चुका था पूरी तरह से. मैं बहुत ही, जो आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन हैं और उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है, मैं सारे उन ऐसे लोगों को फॉलो करती हूँ अपने दोनों ही इंस्टाग्राम हैंडल से. मैं किसी भी सेलेब को, TV इंडस्ट्री वाले को फॉलो नहीं करती हूँ. यस. एंड दूसरा जो क्वेश्चन आया है, सेलेब्स ऑन यूट्यूब डोंट. हाँ, एक्चुअली देखो, यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि सबके लिए इक्वल है, कोई भी आकर के इसमें अपना काम कर सकता है. बट मुझे भी ये चीज़ लगता है, जैसे क्या होता है ना, सपोज यू आर अ कॉमन मैन, आई एम अ कॉमन मैन लाइक यू, है ना. अब कुछ लोग ऐसे होते होंगे, हम लोगों की जर्नी कैसे होती है, हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं जीरो से. बट ये लोग जब यूट्यूब पे आते हैं, एक तो दे हैव ऑलरेडी काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, काफ़ी लोग इनको ऑलरेडी जान रहे होते हैं, तो एक बूस्ट तो इनको फर्स्ट उसमें मिल जाता है. सेकेंड, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इनको पता है कैमरा पे आपको कैसे ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, हैंडल करना है. ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक छोटा सा वो है. और यूट्यूबर्स शेयर एवरीथिंग ऑन यूट्यूब दीज डेज, यू आर मैनेजिंग योर कॉन्टेंट इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस. यार देखो, ये तो अपना अपना पर्सनल टेक है कि किसको कितनी चीज़ें शेयर करनी है यूट्यूब पे. यूट्यूब में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलरली शेयर करना ही करना है. इट्स अबाउट यू कि हाउ मच यू हैव टू शेयर. मेरे पर्टिकुलरली, अगर आप मेरे चैनल की बात करेंगे ना, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है कि मुझे इतनी ही चीज़ें शेयर करनी है, इससे आगे मुझे कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करनी है. अभी आकर के फोर्स नहीं कर रहा है शेयर कि आपको ये शेयर करना ही है, ये शेयर करना है. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछते हैं कि आप ये बताओ, आप इसके बारे में बताओ, आप उसके बारे में बताओ. बट एट दी एंड ये तो मेरा पर्सनल कॉल है ना, कि मुझे वो चीज़ बताना है कि मुझे नहीं बताना है. कोई मेरे को आकर के पकड़ के, कॉलर पकड़ के तो नहीं पूछ रहा ना कि आपको ये चीज़ बताना ही पड़ेगा. पर्टिकुलर चॉइस है कि आपको किस तरह से अपने वीडियो की वाइब रखनी है और किस तरह से आपको आपकी चीज़ें प्रेजेंट करनी है. मुझे एक ओपन बुक की तरह अपने यूट्यूब में होना है कि सबको सब कुछ ही पता हो मेरे बारे में. मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये चीज़ कभी शेयर नहीं करी थी, बट विक्की कोविड पॉजिटिव हुआ था. जब ये वेव आने वाली थी ना कोविड की, उसके पहले की बात है, उसी टाइम पे मेरी जो नानी है वो एक्सपायर हुई थी. एंड जो मैंने अपने वीडियो में बोला था ना, मेरी मम्मी उनके बर्थडे के टाइम पे घर पे नहीं थी, तो वो नानी के लिए 13 डेज वहाँ पर रहते हैं नानी के पास, वो वहाँ पर थी. एंड उसी बीच में फिर ये हुआ कि विक्की की मम्मी भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी. एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें बैक लाइफ में मेरे चल रही थी. बट मजाल है, विक्की उस दूसरे रूम में रहा है 15 डेज. विक्की क्वारंटीन में रहा है, उसी के रूम में वो रहता था. वीडियो में भनक भी लगी हो, या मेरे वीडियो से पता चला हो, या मैंने कहीं पे एक्सप्रेस किया हो कि मेरे घर में इतनी सारी चीज़ें, टेंशन वाला माहौल चल रहा था, मैं तब भी व्लॉग बना रही थी. मैंने हाँ ब्रेक लिया था, मैंने 4-5 डेज का, क्योंकि मैं नॉर्मली भी कभी मेरा मन नहीं होता है तो मैं 3-3 दिन का, 4-4 दिन का ब्रेक ले लेती हूँ. दैट्स वेरी नॉर्मल. बट मैंने उस टाइम भी ब्रेक लिया था, और जब मुझे लगा कि हाँ विक्की की सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, उसको सिम्टम ज्यादा नहीं, वो वैसे असिम्टोमेटिक था. मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर मैं सब कुछ बताने वाली होती ना, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत शानदार सा कंटेंट था कि मैं 14 दिन में से बढ़िया बनाती, ये टाइटल डाल करके ये डाल देती, कोविड पॉजिटिव, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुखियारे वाले कंटेंट डाल देती. फिर जब मेरी मदर इन लॉ का हुआ था, तब मैं डाल देती, एक के बाद एक दुख हमारे सर पे आते जा रहे हैं. सी, आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट ऑल एवरी वन आउट देयर. ये सबका अपना अपना पर्सनल कॉल है कि उसको कितना दिखाना है अपनी लाइफ की चीज़ें, कितनी एक्सप्रेस करनी है. आज Q&A आया, इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं कभी आपको पता भी नहीं चलता कि बैक स्टोरी मेरे घर की क्या चलती है, क्या होता है, क्या नहीं हो रहा होता है. इसमें कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, अरे ये लड़की तो ऑनेस्टी नहीं है, तो अपनी आधी बात बताती ही नहीं है. ऐसा नहीं है, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ. ये चीज़ें मैंने चूज़ करी है नहीं शेयर करना ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. अब तो खैर ऐसा हो गया कि YouTube चैनल के बारे में मेरे सब लोगों को पता है, जो भी मेरा चैनल देखता है ना, कितने सारे लोग हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, मेरी मम्मी के कॉलेज के, मेरी नानी के वहाँ पे, विक्की के गांव, मतलब कितने लोग मेरा चैनल देखते हैं. आई नो लोग क्या सोचते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है. बट
आप मेरी मम्मी को स्पेशली फोन आता है जब किसी को मेरे चैनल के बारे में पता चलता है या एक्सीडेंटली वो देख लेते हैं या किसी के थ्रू पता चलता है, वो लिटरली मेरी मम्मी को फोन करते हैं कि आपकी लड़की बहुत समझदार है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत ये है। मतलब क्रिएटिविटी के ऊपर तो बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं, मतलब ऐसे चीजें बोलते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ पर उलझलूल इससे लड़ रही हूँ, उससे लड़ रही हूँ, नेगेटिविटी फैला रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को कितना ह्यूमिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमेंट दैट हर्ट यू अ लॉट। मिलते जुलते दो तीन क्वेश्चंस हैं, मैंने वही साथ में लिख लिए हैं। कमेंट आते हैं करके चले जाते हैं एंड बट एक कमेंट ऐसा है जो मेरे एकदम ऐसे यहाँ पिंच हो जाता है, ज़्यादा गंदी तरीके से पिंच हो गया था। तो दैट कमेंट वाज जब मैंने आइकिया का वीडियो बनाया था, हॉल बनाया था, और उसमें ना मैंने एक वो शेयर किया था, स्टेनलेस स्टील का होल्डर शेयर किया था। वो 600-700 कुछ का था, 600-700 का था, 800 का था, भगवान जाने कितने का था, बट वो ऐसे ही कुछ था। तो उसमें मुझे एक बंदी ने, शर्मा सर ने, मैं उसका पूरा मुझे नाम याद है, ओह इतना महंगा स्पून होल्डर, अभी समझ में आया कि आप मुंबई में घर क्यों नहीं ले पा रहे हो, ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, इतना महंगा, मतलब ऐसे करके उसने ऊटपटांग सा, मुझे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है बट ऐसे ही कॉमेंट था वो। मुझे वो कमेंट देख करके मेरा खून खौल गया था। ये होती कौन है मेरे फाइनेंशियल स्टेटस को जज करने वाली और मुझे ये बोलने वाली कि तुम इसी वजह से घर नहीं ले पा रहे हो, एक 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 स्पून होल्डर में तुम उसके चक्कर में इतना। अगर वो इस तरीके से कमेंट करती ना, एक तरीका होता है कमेंट करने का भी, अगर वो इस तरीके से कमेंट कर दी ना, अरे दिस इज टू एक्सपेंसिव, यू शुड हैव गॉन फॉर अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, एंड ऐसे करके कुछ भी बोल देती ना चलता, बट उसने वो जो घर वाली बात से लिंक की ना, उस चीज़ पे मुझे इतनी चुभन हुई। मैंने उसके नीचे बहुत लंबा चौड़ा सा उसको मैसेज करके लिखा कि हु आर यू टू जज मी एंड हु आर यू टू टेल मी दिस, एंड मैंने उसको लिखा डू यू नो आर फाइनेंशियल स्टेटस एंड हु आर यू टू जज आर फाइनेंशियल स्टेटस, डू यू नो हाउ मच वी अर्न, क्या तुमको ये पता है, तुम ऐसे कैसे कमेंट किसी के फाइनेंशियल स्टेटस पे कर सकते, जबकि मैं तो इतनी वोकल भी नहीं हूँ कि मैं कितना अर्न करती हूँ या मेरा पति कितना अर्न करता है। एंड हु नोज यार, मैं तो जब आप सोचो, जब मैंने विक्की का ये मैटर जो भी मेरे घर में हुआ ये मैंने शेयर नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी होगी या हम कहीं इन्वेस्ट कर चुके होंगे, क्या पता हम कहीं इन्वेस्ट कर चुके होंगे या हमारा खुद का एक घर हो और वो लोन पे चल रहा हो। मैं तो उस टाइप की हूँ कि जब तक मेरे घर की ईएमआई कंप्लीट नहीं हो जाती और वो प्रॉपरली बैंक रिलीज होके हमारा खुद का नहीं हो जाएगा कोई भी प्रॉपर्टी, आई विल नेवर गोइंग टू डिस्क्लोज कि हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ है। मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे बहुत शॉकिंग भी लगा कि लोग कैसे कैसे आकर कुछ भी चीज बोल के चले जाते हैं। यू हैव टू बी लिटरली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इफ यू आर कमिंग ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कुछ चीजें ना आपके दिमाग में बैठ जाती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी पापा बॉय टाइप के हबी को कैसे मैनेज किया जाए जो सीधा बैंगलोर की लाइफस्टाइल से झांसी लेके चला गया है मम्मास बॉय। दूसरा एक और क्वेश्चन है हाउ टू हैंडल डोमिनेटिंग इन लॉज एंड टॉक्सिक मम्मास बॉय। मम्मास बॉय वाले जो लड़के होते हैं ये एक तो मेरे को समझ में आते नहीं है, भी लड़के मैंने देखे हुए हैं जो इतने पढ़े लिखे अच्छी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं बट स्टिल शादी के बाद वो अपनी बंदियों को बोल देते हैं कि देखो मम्मी जो बोले वो तुम कर लेना, उनसे जबान मत लड़ाना। सपोज मैं हूँ, है ना, मेरी कोई भाई है और मेरी कोई यहाँ पे भाभी आई है, जो सिस्टर इन लॉ रहेगी और मेरी मम्मी की अगर बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि हमारी हम दोनों भाई बहन की माँ है, तो तुमको भी उनके साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा नो मैटर वो तुम्हारे साथ कैसा भी बिहेव कर रहे हो। ये एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा गलत है। मैं सारी लड़कियों से यही बोलूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना इतना डोमिनेंस झेलने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा वोकल बनिए, थोड़ा बोल के देखिए, बोलिए चीजें, आपने आवाज उठाइए, आपको कोई चीज़ से प्रॉब्लम है तो उसको सामने रखिए, अपनी मदर इन लॉ के भी सामने रखिए कि मुझे आपकी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। आई नो इंडियन मदर इन लॉज आर लाइक दैट, अरे हमने तो ये करा था हमारे सास के टाइम पे, हम चू भी नहीं करते थे, हम ऊ भी नहीं करते थे, हम ये भी नहीं करते थे, हम भाई आपका टाइम गया, ये ज़माना अलग है, हम लड़कियाँ अलग हैं, शादी नहीं हुई है, वो अपनी बिल्कुल सोच समझ के लड़के से पूछ के देख परख के करो। अगर आपको लगता है कि ये मम्मास बॉय है, बिल्कुल शादी मत करो इस तरह के लड़कों से। दे डोंट डिजर्व अ गर्ल, दे डोंट डिजर्व अ वाइफ, जो भी जितने भी जो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, दे डोंट डिजर्व अ वाइफ, ट्रस्ट मी, दे डोंट डिजर्व अ वाइफ। माना कि वो आपकी माँ है, माना कि वो आपके पापा हैं, माना कि वो आपके पेरेंट्स हैं, बट सामने वाली जो लड़की है वो भी आपकी वाइफ है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोलती कि पूरा वाइफ के बिल्कुल फेवर में आ जाओ, बट जो चीज़ सही है उसको सपोर्ट करो, और अगर इतना भी नहीं सपोर्ट करते हो तो भाई तुम लोग बीवियाँ डिजर्व नहीं करते हो। तुम लोगों को कायदे से अगर माँ बाप की सेवा के लिए कोई बंदी चाहिए है तो तुम किसी नर्स को हायर कर सकते हो, बट भैया लोगों को मजे भी सारे चाहिए बीवी वाले, लेकिन बीवी को सपोर्ट भी नहीं करना है, तो इट्स रियली सैड, रियली रियली सैड। लड़की चाहिए एकदम पढ़ी लिखी, लेकिन वो उनके इशारों पे नाचनी चाहिए। तो अगर इंसान पढ़ा लिखा है,
हम इंसान को क्यों हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ाते लिखाते, ताकि हम एक अच्छे डिसीजन मेकर रहे, अच्छे डिसीजंस ले सकें, मैच्योर हों, हमको पता रहे सही क्या है गलत क्या है. कोई साइन थीटा कॉस थीटा जीवन में काम आया है कि? आज तक मेरे तो कभी साइन थीटा कॉस थीटा काम नहीं आया है. जो हमने एल्गोरिदम सॉल्व करी है 10th 11th में कभी काम नहीं आई है. पैरों पर खड़े हो सकें अपनी लाइफ, उसके बाद लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी बहुओं से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की को आप लेकर के आकर अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ये भी करे आपके हिसाब से, ये भी करे. नहीं करेंगे आजकल की लड़की. तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इन लॉस को भी करना चाहिए. सपोज फॉर एग्जांपल हम कोई एक छोटा सा प्लांट लेकर के आते हैं, बेबी प्लांट लेकर के आते हैं किसी भी नर्सरी से, उसको कोई दूसरे पॉट में चेंज भी नहीं करती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है कि वो अभी शॉक स्टेट में है, वो अपने घर से किसी और घर में आया है तो वो डेफिनेटली अभी शॉक स्टेट में होगा. सो आई यू नो नर्चर देम मोर, मैं उसको और ज्यादा ध्यान रखती हूँ. यही चीज आप एक प्लांट को लेकर के आओ, उसको फटाक से 2 दिन में पॉट चेंज कर दो, उस पर ध्यान मत दो, अपने हिसाब से उसको चलाओ, तो प्लांट क्या होगा, मुरझा जाएगा. अ गर्ल इज लाइक प्लांट एज वेल. वही किसी इंसान को एज अ बहू के रूप में जब घर पे लेके आते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हम ध्यान रखने की बजाय वो हम सबका ध्यान रखे, तो ये मुझे काफी वियर्ड लगता है. एंड आई थिंक दिस शुड चेंज, और चेंज हो भी रहा है. ऐसा नहीं है, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इन-लॉज भी हैं, अपनी बहुओं को बहुत अच्छे से रखते हैं, बेटी की तरह रखते हैं. हैव यू एवर मेट एनी यूट्यूबर जो कैमरे पर कुछ और एंड रियल में कुछ और है? यस, आई मेट दिस काइंड ऑफ अ यूट्यूबर. हम यहाँ पर गए थे जब एक इवेंट हुआ था जिसमें 60 और 62 फीमेल क्रिएटर्स को बुलाया था. उसमें से एक यूट्यूबर थी जिसको मैं उसको फॉलो नहीं करती ना मैं उसको, बट मुझे पता तो है ही, जानती तो हूँ ही मैं. निधि जो मुझे बिल्कुल ही मतलब कैमरे में जो दिखती है वो उसमें रियल लाइफ में मुझे ना उसके ऊपर से इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी. दूसरा इंसिडेंस मैं एक और एक बताऊंगी. एक यूट्यूबर कपल है, जनरली होता है ना मैं काफी ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में मैं काफी वोकल हूँ, हस्बैंड वाइफ सास ससुर ये वो फलाना ढिमकाना ऐसे बोल्ड वाले काफी लोग मुझसे शेयर भी काफी करते हैं. तो उसने भी मुझसे एक दिन बहुत सैड फील हो रही थी, हमारी फोन पे बात हो रही थी and she was sounding so sad. तो मैंने पूछा क्या हुआ, are you okay? तो she just started saying everything कि me and my husband के बीच में झगड़ा हो गया है, बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ है, वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता है. जब उसने ये सब चालू किया टॉक्सिक चीज़ें बताना कि वो उसको अब्यूज़ करता है, जो प्रोस्टिट्यूट का हिंदी गाली का वर्ड होता है वो उसको बोलता है, थप्पड़ मार चुका है, एंड ये सब चीज़ें जब मैंने सुनी ना तो मैं लिटरली मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी. एक दिन के लिए तो मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी. मैंने उसको बोला यार कैमरे में तो ही सीम सो स्वीट. तो बोलती नहीं जैसे ही कैमरा चालू होता है ही स्टार्टेड किसिंग मी, हग करता है मुझसे, प्यार से बातें करता है, बट जैसे ही कैमरा खत्म होता है उसका मूड फ्लिप हो जाता है. बैक देन काफ़ी पहले की बात है, तो जब भी मैं देखूं तो मुझे यही दिमाग में आने लग गया था कि बाप रे इसको ऐसे ऐसे अब्यूसिव वर्ड्स बोलता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे बिहेव करता है, ये बंदी फिर भी उसके साथ रह रही है. मैं इस पॉइंट से बोल रही हूँ कि आप बैक लाइफ किसी की क्या चल रही है और वो फ्रेंड ऑब्वियसली वो ये तो दिखाएगा नहीं यूट्यूब में कि थप्पड़ पड़ रहा है या गाली बक रही है. ऑब्वियसली ऐसे टाइम पर कोई व्लॉग भी नहीं करता है. एंड when you see them now they are doing very lovey dovey pda in front of everyone, किसी करेंगे एक दूसरे को, हगी करेंगे एक दूसरे को, सारी प्यार भरी बातें कैमरे के सामने कर देते हैं, बट बिकॉज आई नो द बैक स्टोरी तब मुझे समझ में आता है ओ माय गॉड ये भी ऐसा भी चलता है बैक में. दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक पीडीए, बिकॉज इफ यू एक्चुअली रियल एंड इफ यू एक्चुअली लव समवन ना यू डोंट नीड टू शो इट टू एवरीवन. वो केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली दिख जाती है. लाइक मैं और हमारे जितने भी कपल फ्रेंड्स हैं हमारे ग्रुप में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि अभी सब बैठे हैं सारे कपल्स बैठे हैं तो कोई की बंदी आकर के उसकी गोदी में बैठ जाएगी या उसको पप्पियाँ देने लगेगी या हग करने लग जाएगी या ना ये सब पीडीए हम लोगों को हमारे ग्रुप में भी कोई ऐसा नहीं करता है ना. हम हस्बैंड वाइफ भी सब फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, मस्ती करते हैं, टांग खींचते हैं, बट ये पीडीए वीडीए जमता नहीं है. करके कोई भी मत पूछेगा कि कौन वो यूट्यूबर है, कौन है, आप किसके बारे में बता रही थी. आई विल नेवर एवर गोइंग टू टेल द नेम ऑफ दैट पर्सन. आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट उन्होंने मेरे से ये सारी चीज़ें शेयर करी, बट यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट आई हैव टू कीप दैट इनसाइड मी. आई जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल एंड आई एम श्योर आप लोग गेस भी नहीं कर पाओगे. इसके बाद ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आए, यूट्यूबर यू हेट द मोस्ट, या किसी यूट्यूबर से मैं क्यों हेट करूंगी. और आफ्टर कोविड तो मतलब किसी को भी किसी से भी हेट नहीं करना चाहिए. हेट इज अ वेरी बिग वर्ड. आई डोंट हेट एनी वन. समटाइम्स होता है कि कभी कभी आपको और आपके थॉट्स और सामने वाले के थॉट्स मैच नहीं होते हैं तो आप एक सेपरेट वे चूज कर लेते हो, बट इट डजंट मीन दैट दे बोथ हेट ईच अदर. कोई हेट नहीं करता, इट्स जस्ट द वे कि कुछ लोगों को वहां से बैठ करके वो 6 दिख रहा होता है, कुछ लोगों को इधर से देखते हुए वो 9 दिख रहा होता है. अलग अलग थिंकिंग होती है, वो होती है. और है अभी तो अगर हम जैसे किसी टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, अगर वो मिल भी जाएगा तो आई विल पास ऑन अ स्माइल एंड
इट माइट पॉसिबल दैट वी टॉक एज वेल. सो देयर इज नथिंग, नो हेट फॉर एनीवन. होप आपको ये Q&A पसंद आया हो और आपके सारे आंसर्स मिल गए हो. एंड या दैट्स इट फॉर माय वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, एंड भाई लाइक जरूर कर देना यार, 2-2.5 घंटे से बैठ करके मैं आंसर्स दे रही हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.